बसमिल रहीकुम हज़ार डॉट कॉम डॉट पी के साथ आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है व्यूअर्स इस वक्त हम प्रेस क्लब एबिटाबाद के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर दो रोज़ा काफीती और मेला जो कि 25 और 26 जून को नवाशहर ग्राउंड एबिटाबाद से कुछ ही फ़ासले पर उधर मुनदद किया जा रहा है ये काफ़ती मेला इसमें आप हज़ारे का कल्चर और डेफिनेटली मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तमाम ऑर्गेनाइजिंग इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको कि ये हज़ारे के कल्चर और तमाम कल्चर्स की रिवाइवल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानेंगे इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स के अहाल के ये क्या कहना चाहते हैं इस मेले के हवाले से महतरम नाजरीन हमारे हज़ारा का ख़ूबसूरत कल्चर जो दुनिया भर में मशहूर है उसके लिए हमारे यहाँ इबाबाद में अलाका नवा शहर में एक बहुत ख़ूबसूरत मेला मसीकीी भी उसमें है तकरीबन कल्चर के सभी रंग उसमें हैं वो 25 और 26 को वहाँ यहाँ पर मनकद हो रहा है आप जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग आएँ हमारे कल्चर को देखें और उसे इंजॉय करें हम आप सबका जो है वो खैर मकदम करते हैं वहाँ पर तो आप सबको यही गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारा मेला देखने के लिए हमारे अब्तबाद में और बिलखसूस नवाशहर में जो है वो तशरीफ़ लाएँ थैंक यू असलकुम नाजरीन इकराम एबटाबाद जो मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर है एबाद जो पुरमन लोगों का शहर है उसके नवा में नवा शहर जिसकी खासी शहरत दो मई के ऑपरेशन में हुई और एक ऐसा मैसेज एक ऐसा इम्प्रेशन डेवलप हुआ कि जो हमारे लिए एहलिया एब्टवाद के लिए कोई ज़्यादा खुशी का बायस नहीं है हमें इस बात की खुशी है कि ये जो सकाफती मेला मन्कद हो रहा है इसके ज़रिए हम पूरी दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचाएँगे कि एक्टाबाद पुरमन लोगों का शहर है अमन से मोहब्बत करने वालों का शहर है और इस वाक्य के बावजूद भी एबाद की मोहब्बत की वो फ़जाएँ जो है वो बरकरार है यहाँ पर स्कूल और कॉलेज उसी तरह हैं मार्किट्स उसी तरह भरी है मेले ठेले उसी तरह माजी की तरह मन्कद हो रहे हैं और हम इस तवसत से सारी दुनिया को सकावत से प्यार करने वालों को इसमें शिरकत की दावत देते हैं और अमन का एक पैगाम देते हैं बहुत शुक्रिया अलैक मैं एहताम अवान सेक्ट्री हज़ार आर्ट्स कौंसल हमने अब्ट हज़ारा की ओफत को उजागर करने के लिए जो हमारी कदीम सकाफत है जो काफ़ी अरसे से उजागर नहीं हुई तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आएँ क्योंकि हमारी ये काफ़त इतनी खूबसूरत शहर हमारा हमारा खूबसूरत हज़ारा तो इसमें इस, इस तरह के लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए इस तरह की याफ़ती मेले होने चाहिए जिसमें हमारी यहाँ के जो हमारी हजारे की जो ख़ुराक है जो हमारे कर्से दराज से इतनी ख़ूबसूरत ख़ुराकें हैं और इसके अलावा जो हमारे यहाँ के खेल हैं जिसमें कबड्डी घुड़सवारी सवारी और गदकाबाजी पत्थर उठाने वाली ये वो रस्में हैं जो करसा कदीम से हमारे सकाफत में चली आ रही हैं जो कि अभी इस दौर में बहुत कम हो रही हैं हम इसको उजागर करने के लिए दुनिया के सामने लाने के लिए इसको कर रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे इस मेले में तशरीफ़ लाएँ और इससे लुफ्फोज़ हो और वह लोग जो इसमें अपने शौक़ के साथ इसमें पार्टिसपेंट करना चाहते हैं और इसमें हम हमसे गुज़ारिश करते हैं कि प्लीज़ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इस मेले में शरीक हो असल 们。Nah. हजारा का एक बहुत पुराना फनकार हूँ अब तो इन शाला तक के साथ साथ हमारी मुख्तलित सूरतें बदलती गई हैं लेकिन कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको छोड़ना किसी के लिए मुमकिन नहीं है हज़ारा अल्लाह के फजलों का उनसे एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है जिसके चप्पे चप्पे पर रंगा रंग सकाफत बिखरी नजर आती है यह सयाहों की सरजमीन है लेकिन बदकस्मती से हमारी कुछ साथियों की कुछ लापरवाही की वजह से हज़ारा की सकाफत रफ्तार रफ्तः मदूम होती चली जा रही थी इसी कोशिश के लिए इसी लिए हमने इस काती मेले का एहतमाम किया है ताकि और सकाफती मेला की सकाफत को भरपूर तरीके से इसको हम पेश कर सकें लोगों तक पहुँचा सकें कि हज़ारा एक बुलंद वाला पहाड़ों वाली सरजमीन है इसके इसमें इतनी वसी इतनी खूबसूरत इतनी रिच सकाफत है कि जिसको अगर दुनिया के किसी जगह पर भी, भी देखा जाए सुना जाए तो यकीनशा तला तमाम लोग उससे बहुत महजूज़ होंगे इसीलिए हमने इस सकाफती मेले का एहतमाम किया है इस ाफती मेले में हर किस्म हमारे लोग खेल भी हैं गतकाबाजी जो यहाँ का एक बहुत मारूफ खेल है पत्थर उठाने के मुकाबले जो बड़े बड़े पत्थर उठाए जाते हैं बड़ा मारूफ खेल है यहाँ का इसके अलावा यहाँ पे लोक रक्स हैं और बहुत अच्छे बड़े अच्छे अच्छे गेम्स हैं इसके अलावा घोड़सवारी है नज़ाबाजी है ये सारी चीज़ें इन शाला आपको इस मेले में मिलेंगी इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा लोक मुशारा भी होगा हज़ारा के जो बड़े अच्छे अच्छे शौरा हैं इनको शौरा हैं उनका लोक मुशारा भी यहाँ पर होगा इसके अलावा यहाँ के लोक गलोकार जो पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीका बरतानिया और मुख्तिक जगहों परफॉर्म करके आए हैं और वहाँ पर बड़ी ज़्यादा तहसीन पाई है वो भी इन शी इस मेले में परफॉर्म करेंगे यकीन आपको बहुत पसंद आएगा तमाम भाइयों से तमाम दोस्तों से तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस मेले में भरपूर शिरकत करें हमने कोई टिकट नहीं रखा है इसलिए कि हम इस मेले को लोगों के लिए आम करना चाहते हैं कि हर शख्स तक हर हर घर तक ये बात पहुँच जाए कि हमारी शायस्त और मायारी तफरी क्या है हमारा असल असास क्या है इसलिए जब भी आप आएंगे इस मेले में तरीफ़ लाएँगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो सदियों से हमारी रवायत रही है अगर इस मेले के लिए मज़ीद मालूम हासिल करना चाहें तो हज़ारा डॉट काम डॉट पी के पर विज़िट करें वहाँ पर इनशाला आपको हमारी टेलीफ़ोन लाइन पर पूरी मालूम मिल जाएगी आप टेलीफोन करके मालूम हासिल कर सकते हैं अगर हाँ इसमें अगर आपको कोई फोक स्टॉल लगाना हो अपनी फोक आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हों जब चाहें कि यहाँ पर हज़ारे के कल्चर में डिफेक्ट हो रहा है तो वो अगर लगाना चाहें तो उसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कास्ट बहुत अच्छी जगह फ्राहम करेंगे बल्कि पूरा शेल्टर फ्राहम करेंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं और कोई साथी अगर ये ऐसे दोस्त हों ऐसे भाई हों कि जो इसमें परफॉर्म करना चाहें जो लोक खेलों में किसी गीत में किसी चीज़ों में परफॉर्म करना चाहें जो हज़ारे के जो रवायती खेल रवायती चीज़ें हैं परफॉर्म करना चाहें तो उनको भी इन यहाँ परफॉर्म करने के भरपूर मौक़े हासिल होंगे इसलिए हम आपको दावत देते हैं ख़ुद भी आएँ अपने दोस्तों को अपने भाइयों को अपने घर वालों को भी साथ लेके कर आएँ अल्लाह ताली हमारा हामी हामीसर हो आर्ट्स मसूद अनवर खान जदून मुखातब हो जी हज़ारा में पहली दफ़ा मेला, आजारा और मेला हजारा आर्ट्स काउंसिल और टूरिज्म कॉरपोरेशन के तावन से मुनदद किया जा रहा है इस मेले की तफसीलात तो मेरे साथ साथियों ने दी हैं क्योंकि मैं इसका आर्गेनाइज़र हूँ इस हवाले से बात करूँगा ये मेला इन 25 पच्चीस और छब्बीस जून को शहर की ग्राउंड में होगा और इसमें पेवर जो हज़ारा का कल्चर है उस हवाले से इवेंट्स होंगे जिनमें जितने भी स्टाल्स वग़ैरह जो वहाँ पे लगेंगे उनमें भी हज़ारा का कल्चर ही नमाया हो, होगा जैसे हैंडी क्राफ्ट्स हमारे दस्तकारनरमंद ये आपको उस मेले में मिलेंगे और उसके साथ साथ जो श, मतलब शाम के वक्त जो है हमारी जो अलाकई सकाफती खेलें हैं कबड्डी पत्थर पत्थर उठाना रसाकशी गतकाबाजी इसके भरपूर मजारे होंगे और रात को जो है जी मोसीकी जो हमारी फोक मसी मोसीकी है और जो हमारे फोक सिंगर्स हैं वो रात को फोक मोसीकी मेले का इनकद होगा जिसमें चरबैता टप्पा, हिंद को गीत शामिल होंगे और आपको बताते चले कि इसमें पेवर जो है आजारे के कल्चर को जो है वो जागर करने की कोशिश की जाएगी और मेरी तमाम आजारे के लोगों से बिलखसूस और बेमूम बिल दूसरे लोगों से गुज़ारिश होगी कि वो इस इनफ़रादी मेले को देखने ज़रूर आएँ फैमिली के साथ आएँ बच्चों के साथ आएँ इसमें बच्चों के इवेंट्स होंगे स्कूलों के दरमियान जो है मुकाबला होगा टैबल शोज़ होंगे तो बच्चों के साथ आएँ और इस मेले से भरपूर जो है वो लुफ़ानंदोज़ अंदोजी का अनदजी हासिल करें आ, मेरा मेरी आपसे एक मज़ीद गुजारिश ये होगी कि अगर आपके पास इस मेले के हवाले से कोई तजवीज़ हो वो आप दे सकते हैं इस मेले के हवाले से आपके पास कोई सकाफती चीज़ हो वो आप हमें दे सकते हैं अगर कोई खिलाड़ी लोकल जो जैसे कबड्डी खेलने वाला हो पत्थर उठाने वाला हो रस्सा खींचने वाला हो गतकबाज हो टप्पे माइे गाने वाला हो चरबैता गाने वाला हो या किसी के पास कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई हो जो हजारे से मतलब हो वो हमारे नंबरों पे जो है वो जा सकते हैं नंबर्स हमारे जो हैं वो आपको आमिर साहब बताएँगे तो मेरी आपसे फिर गुजारिश होगी कि आप मत इस मेले से भरपूर लुफ्फ़ उठाने के लिए ज़रूरी इसमें शिरकत करें और भरपूर अंदाज में शिरकत करें करेंगोल खान किसान कौंसल और नमाशहर में बोल रहा हूँ जी हजारा आर्ट्स कौंसल वालों ने यूनियन कौंसल नमाशहर को सकाफती मेले के लिए सेलेक्ट किया है ने इन शाह तो हम इनके साथ हर किस्म का तावन करेंगे और जितना भी हो सका हम इनको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और हम उधर इन शमन व अमान के हवाले से इनके साथ जितना भी हो सका तावन करेंगे अला नचा तो जितने भी खिलाड़ी आएंगे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग आएंगे जहाँ से भी हमारे मेहमान आएंगे हम इन उनको अच्छी जगह मुहैया करेंगे और हम नवाशहर के लोग जो हैं इनके साथ जितना हो सका हम इनके साथ इन शावन के लिए बिल्कुल तैयार हैं इन्होंने हमारे शहर को सेलेक्ट किया है और हम हर वक्त इनके लिए हाजिर होंगे जी मेहरबानी जी जी तो व्यूर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने हज़ारा आर्ट्स कौंसिल के जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी उनमें मौजूद थे और ऑर्गेनाइजर्स और भी इनके आपने मैसेजेज़ सुने तो ये दो रोज़ा रंगा रंग जो औरज फती मेला जो 25 और 26 जून को नवा शहर ग्राउंड एबैटाबाद में शुरू हो रहा है उसका अहवाल भी आपने सुना और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप में कोई टैलेंट है आपके पास कोई ऐसी चीज़ है या आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप इनके ऑर्गेनाइजर्स से रबा करके पच्चीस छब्बीस जून को वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और और उसके लिए हमारी वेबसाइट पर भी आपको इनके टेलीफोन नंबर्स मिल सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उन नंबर्स पर रबता कर सकते हैं आपको ये तमाम डिटेल्स वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाएंगी और खैबर पख्तनख्वा टूरिज़म कॉर्पोरेशन और हज़ारा आर्ट्स कौंसिल के जेर तमाम ये ज़बरदस्त सकाफती मेला जो कि पच्चीस और छब्बीस जून को नवाशहर ग्राउंड में मनकद किया जा रहा है तो हम उस तमाम इवेंट को हज़ारा डॉट कॉम डॉट पी के प्लेटफॉर्म से ज़रूर कवर करेंगे आपके लिए लेकिन आपको साथ साथ इन्विटेशन भी देना चाहते हैं ताकि हमें पता पता चले हमारे बच्चों को पता चले फैमिलीज़ को पता चले हज़ारे वालों को पता चले और दुनिया को पता चले कि हज़ारे का कल्चर पाकिस्तान का कल्चर क्या है तो हमारे कल्चर की रिवाइवल के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है अब कैमरामैन मैन ठीक के साथ अपने होस्ट आयर महमूद को दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़